वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। सो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं। अपने लास्ट ब्लॉग में देखा हम कोटा आ गए थे स्कूटी से, गुड़गांव से, है ना। और अभी हम दादाबाड़ी में रुके हुए थे, दादाबाड़ी जैन मंदिर। तो अभी यहां से अपन जा रहे हैं खाना खाने। अभी फिगर आउट नहीं किया है कहां जाना है, बट वी आर जस्ट रोमिंग अराउंड। और भाई वेदर देखो, पूरे काले बादल हो रखे हैं। आई डोंट नो अगर कहीं पीछे पानी गिर गया। हमने अम्ब्रेला ले लिया है सो प्रॉब्लम नहीं होगी, बट डेड टायर्ड है। 2 घंटे सोया था, 10 घंटे हम दोनों ने मिलके बाइक चलाई है। गुड डे टू यू। चलते हैं। अभी हम आ चुके हैं कृष्णा मंदिर, तलमंडी सर्कल के पास पड़ता है और ये काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोगों ने बोला था भाई वहाँ होके आना। तो अभी हम आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं फटाक से मंदिर। बट पानी गिरने लग गया है सो देख सकते हो और भी तेज हो चुका है और हमारी थोड़ी सी हालत ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी है। अरे भाई साहब, छाते का वो कहाँ है, छाता लो उठाओ। सो गाइस हमारे पास ये है कैप्सूल वाला छाता, बढ़िया से खोलते हैं, एटलीस्ट गीले तो नहीं होंगे। उसे उल्टा करो भाई हेलमेट को, नहीं तो वो हाँ पूरा पानी चला जाएगा उसे। बला बला तो लाइट के रिकॉर्ड कर ले यार। चमके कैसे हो बंद। सो गाइस अभी हुआ क्या, मैं कृष्णा मंदिर जा रहा था और हम गलत कृष्णा मंदिर आ गए। भाई देखो मैंने कहा था इसको तलमंडी राधा कृष्ण मंदिर, भाई ने राधा कृष्ण मंदिर डाला, ये देखे नहीं है विज्ञान केंद्र विज्ञान नगर में। तो हम गलत मंदिर में आ गए, मतलब मंदिर सही है बट हमें जहाँ जाना था वहाँ नहीं आए और आते ही साथ बाहर अंदर दर्शन कर गया और पानी गिरने लगा। तो अब देख लो पानी गिर रहा है बड़ा भड़ और हम पेड़ के साइड में छत्ता लगा के खड़े हैं। समझ नहीं आ रहा भाई, और दर्शन करके आए थे दर्शन में, ये तो ही ना मांगा था कि तेज बारिश करा दो। सही में यार, और पता क्या खाया कुछ नहीं है मेरे, आधे घंटे अगर बारिश हो गई तो मैं यहीं गिर जाऊंगा गाइस। भाई समय से पुआ खाए हुए हम, और उसका रीजन है सिर्फ मेरा भाई, क्योंकि ये भाई खाने ही नहीं देता, जाओ इसके ना करे स्टार्ट हो जाते हैं। नहीं कहीं रुकना ही नहीं है, कहीं रुकना ही नहीं है, कहीं खाना ही नहीं है। और क्या भाई, तभी इस टाइम पहुंच पाए हम, तो अभी आ रहे होते हम तो खाना खा के तो आते सो जाते सीधा। अब देखो खाना खाने कहाँ भटकेंगे। देखो बहुत बढ़िया मैच में जाके गएंगे हम, बट बारिश रुक गया। बारिश पता नहीं कब रुकेगी, एक घंटे नहीं रुकी तो यहाँ पे कहाँ खड़े रहे। कोटा का बारिश कहते हैं, आप पता है भाई बारिश हर चीज तेज होती है, ज्यादा होती है यहाँ पे। तो अब अगर ज्यादा हो गई तो पता नहीं भाई साहब। भाई पकड़ ले यार, पकड़े ही तो हूँ मैं, बस अपनी साइड पकड़े हूँ। अब छोटा छाता छोटा पड़ गया, प्रॉब्लम ही हो गई। तो ये कैप्सूल के सेफ के चक्कर में इसने ऐसा छोटा सा छाता मंगा लिया। अच्छा है, हैंडी है, पोर्टेबल है, बट छोटा है। वन प्लस वन फ्री नहीं है उसमें, सिर्फ 1 पर्सन ही आ सकता है। भाई क्या करें समझ नहीं आ रहा, तेज पानी है यार, और अब गीले नहीं हो सकते भाई, बहुत गीले हुए भाई। आज हम 4 से 5 बार गीले हुए हैं पूरे टाइम भाई। यहाँ पता क्या है, मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा क्लाउड होगा वो अपना पानी भरेगा और दूसरों का वेट नहीं करेगा, वो भाई स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा वो स्टार्ट हो जाएगा पानी बरसा देगा। उसे भड़क नहीं पड़ता घंटा कि उसके अगल बगल पानी गिर रहा है नहीं गिर रहा है, वो अपना पानी चालू करेगा और थोड़े आगे पानी नहीं गिर रहा होगा उससे 200 मीटर, वो कहीं भी हो उस पॉइंट पे वो पानी बरसाता रहेगा, पानी बरसाता रहे। उसके आगे पीछे उसको कोई मतलब नहीं है, धूप हो चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो चाहे हवा हो। भाई साहब आज तो ऐसा 5 बार हुआ, हम कम से कम 3-4 बार तो हम प्रॉपर पूरे पूरे गीले हुए इसी चक्कर में, और उसके तुरंत बाद धूप आ जाती है, हम तुरंत सूख भी जाते थे भाई। ऐसे गंदी हालत हुई है ना। हाँ यार, मतलब दूर भी ऐसे दिख रहा है एक छोटा सा बादल है, अपना नल खोला उसने स्टार्ट हो गया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बारिश होनी है नहीं होनी है। अब जैसे अभी ये बारिश हो रही है तो ये बारिश पूरे में हो रही है और वो यहाँ बारिश बादल काफी काले थे, काफी ज्यादा थे और, है ना, तो
ऐसा वहां नहीं रहा भाई, वहां तो इतने में हो रही है तो इसी पार्क के आसपास हो रही होगी, थोड़ा सा दूर जाओगे तो बारिश की नहीं हो रही वहां पे। बट भाई ये पता नहीं था ना, हम बादलों से भाग रहे थे, रेस हो रही थी हम दोनों की। हाँ हाँ, जैसे बादल मिलते थे हमें पता था 5 मिनट के लिए होंगे, आगे बारिश हो ही नहीं रही होगी, सूख जाएंगे, स्पीड में भागते थे भाई। सच में कैसे कैसे आए, अरे क्या थोड़ा सा, अरे यार बताओ यार ऐसे कैसे होता है भाई। अब गाइस बताओ कैसे चलेगा यार, खाना खाना भाई, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो खाना दो खाना दो। यार पता वहां पे ना दादावाड़ी में खाना मिल रहा था, तो हमने सोचा 6:30 बजे, हमने नहीं सोचा, तुमने सोचा, मैंने कहा था इतना बढ़िया भोजनालय का खाना है, बढ़िया आराम से खा के निकलते हैं। भूख बहुत ज्यादा तेज थी यार, बहुत ज्यादा तेज थी, और मैस वगैरह में होता है 8 बजे खाना शुरू, तो मैंने कहा नहीं यार अब कोटा आए हैं और यहाँ का सादा खाना खा लेंगे तो मजा कैसे रहेगा। साला उस चक्कर में हमने वो 7 बजे वाला खाना मिस कर दिया, अब पछताएगा जब चिड़िया छुप गई खेत। गाइस अभी हमें समझ नहीं आ रहा करें क्या, बताओ यार कुछ हेल्प भेज दो यार, भगवान भगवान से कांटेक्ट वॉन्टेक्ट कर लो यार, कुछ तो कर दो भाई, कोई बादल थोड़ा सा रुक जाओ, 10 मिनट रुक जाओ, हमने देखा 7 मिनट में हम पहुंच जाएंगे, 1 मिनट यहाँ से बाहर जाने का, 1 मिनट साफ करने का, 1 मिनट पार्किंग का, 10 मिनट में बारिश वापस स्टार्ट कर देना, बढ़िया खाते रहेंगे 1 घंटे तक हम तो। भूख वैसे ही बहुत तेज लगी हुई है, नॉर्मल खाना हम 4-5 दिन के लिए आए तो हमें नॉर्मल खाना ही क्यों है, हमें तो खाना बहुत भयंकर है, और फिर सो जाना है आज तो भाई, जाके ऐसे सोएंगे ना, और एडिटिंग करनी इम्पॉसिबल कैसे, आज तो हो ही नहीं सकती एडिटिंग, अभी तो मैं बस फाइल मॉर्निंग में की, नहीं नहीं कल शाम को जाएगा। डेली व्लॉग्स आना चाहिए, चाहे शाम आए चाहे सुबह आए, देखो ऐसा है गाइस, आएगा सुबह तो 7:30-8 बजे आ जाएगा, और शाम को आएगा तो 6:30-7 बजे आ जाएगा, सेम। हाँ बाकी अपनी घंटी बजाओ, पता चलेगा, बेल आइकन प्रेस करके रखो तो मजेदार नोटिफिकेशन आता रहता है, नोटिफिकेशन पे ऐसे क्लिक करना ऐसे तो YouTube को पता चलेगा भाई सब देख रहे हैं, और पोस्ट करते हैं जल्दी से यार 10,000 सब्सक्राइबर पहुंचाने, मैं तो इसलिए आया हूँ कि भाई कुछ बढ़िया बढ़िया लोग मिलते हैं, फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बंदा बगल से गया यहाँ से वगैरह होगा, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे भाई, सच में मुझे तो, मैं तो जनता बतौने आया हूँ, कोटा राजस्थान से नए नए लोग मुझे देखना स्टार्ट करेंगे, सब्सक्राइब कर देना गाइस, आई रियली लव यू। और जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं भाई, तुम लोग पढ़ाई करो बढ़िया, हमारे साथ हमारे कैमरे से हमारे लेंस के द्वारा देखो घूमो। हाँ और क्या, पढ़ाई यहाँ पे करो और डेली ब्लॉग जरूर देखो 1-10 मिनट का। देखते हैं पानी थोड़ा सा स्लो हो जाए तो अपन निकले यहाँ से, नहीं तो यहीं मिलेंगे अपन, कल का ब्लॉग भी स्टार्ट यहीं से करेंगे सुबह से। वेलकम गाइस, आज सुबह हो चुकी है और हम कल रात से यहीं खड़े, चलो बारिश नहीं रुकी है, बारिश नहीं रुकी है भाई, बह जाएंगे जब तक तो भर जाएगा यहाँ पर, चलो अभी रुक जाओ, बारिश के लिए हम प्रे करते हैं भगवान से, इंद्र देवता से थोड़ी सी बारिश रुकवाते हैं और फिर खाना खाते हैं, चलो गुड डे टू यू। गाइस ये साकार के पास भाई ये बन रहा था उस टाइम पूरा, और यहाँ पे बहुत बड़ा वो किया था मैसरीज, अभी 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 उसको बैच क्लोज हुआ है इनका काम यार। हाँ सवा 8 बजे, अभी 8 बजे वाली क्लास छूटी होगी सारी। भाई ये क्या बन गया पूरा, ये बहुत पहले से बन रही थी बिल्डिंग, जो 5 फ्लोर है, तो ये सोसाइटीज है। मतलब टीचर इतने आ चुके हैं वो कहाँ रहेंगे। अच्छा तो टीचर्स के लिए ये बना दिया, बेसिकली बच्चे भी रहते हैं जिनके पास पैसा है।
गाइस हमारा डिनर हो चुका है और हमने खाया किसी एक मैस पे जिस पे मैंने 8 साल पहले खाना खाया था, पंजाबी मैस। सो काफ़ी सही था, बच्चों के बीच था तो उनको ऑब्जर्व करते करते ब्लॉगिंग दिमाग से निकल ही गया, वीडियो बना रहा, बट कोई लोड नहीं है। अभी और भी थोड़ा सा एक दो मैसेज जाएंगे घूमेंगे तो उनका दिखाते हैं। और गाइस 8 साल बाद आया हूँ वापस कोटा, तो देखने में थोड़ा नॉस्टैल्जिक और फिर मैं खो जाता हूँ कि अरे यहाँ पे ये था, अरे यहाँ पे ये था, ओ भाई ये कैसे कब चेंज हो गया, ये वाला बंदा कहाँ गया, इतने सारे चीज़ें हो जाती हैं ना, समझ ही नहीं आती। अभी खाना खाने के बाद अभी मन कर रहा था जूस पीने का, सो अभी हम आ चुके हैं महावीर कुल्फी एंड जूस पे, और यहाँ पे बढ़िया पाइनएप्पल जूस मैंने बोल दिया है उनके पास, वही अवेलेबल था फाइनली, तो विदाउट शुगर बिल्कुल ताज़ा फ्रेश पाइनएप्पल जूस। अभी हम डिनर करके आ चुके हैं और काफ़ी हैवी हो गया था, काफ़ी सही खाना था, मज़ा आया काफ़ी टाइम बाद मैस में खा के, और अभी बहुत डेड टायर्ड हैं, सो अभी बस सोने का प्लान है। सोना बहुत इम्पोर्टेंट हो चुका है, अभी कल का ब्लॉग मॉर्निंग में आएगा नहीं पता, इवनिंग में आएगा नहीं पता, लेट्स सी क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट अभी नींद आ रही है क्योंकि टायर्ड बहुत ज़्यादा है। सो गुड डे टू यू, अभी तक यहाँ तक ब्लॉग अच्छा लगा सो Give a thumbs up, subscribe करते जाना, comment कर देना। Thank you so much for watching. I really love you all. Bye bye. Good day. Take care.